सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास इंटरनेट का ये एरर आ रहा है स्मार्ट टीवी में, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं 2 से 3 मेथड बताने वाला हूँ, जिसमें से आपके पास ये मेथड ट्राई करने के बाद इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1, स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक बार वाईफाई को टर्न ऑफ कर आपको यहाँ पर टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर वाईफाई को जो है कनेक्ट कीजिए यहाँ पर से। उसके बाद आप यहाँ पर से क्लिक कर आप जो भी वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कनेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद भी अगर कनेक्ट नहीं हो गए तो आपको जो है आपके वाईफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में फॉरगेट नेटवर्क का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर यहाँ पर नेटवर्क को फॉरगेट कर देना है। फिर आपको आपके वाईफाई को जो है और एक बार से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आप अपने स्मार्ट टीवी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर गाइज उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आपको स्टेप 3 फॉलो करना है। यहाँ पर स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। यहाँ पर ये 100% आपके पास वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस में आना है। फिर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक करना है आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास डेट एंड टाइम यहाँ पर रॉन्ग है तो आप जो है इसको सेट कीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक पर आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम, तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिए। इस पर सेलेक्ट करने के बाद भी अगर आपके पास ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम करेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको मैनुअल सेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर इस पर क्लिक कर आप इसको ऑफ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैनुअल सेट कीजिए सेट डेट एंड सेट टाइम। तो आप यहाँ पर इसको सेट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम है, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने वाईफाई को जो है कनेक्ट कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होगी स्मार्ट टीवी में। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।